प्रभास अब हॉलीवुड में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ, इस तरह का एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जो ये बताता है कि प्रभास बहुत जल्द अब हॉलीवुड में एंट्री करेंगे। दरअसल मिशन इम्पॉसिबल 7 में प्रभास की एंट्री हो सकती है और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है जिसको लेकर प्रभास के फैन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। एक स्क्रीनशॉट जो है, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर, उनके इंटरव्यू का वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि हाँ, प्रभास के साथ उनकी इटली में मीटिंग हुई थी जब प्रभास राधे श्याम की शूटिंग करने के लिए इटली गए थे। इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि 22 मई को मिशन इम्पॉसिबल को 25 साल पूरे हुए हैं। 1996 में इसका पहला जो है फिल्म आई थी मिशन इम्पॉसिबल, और ये जो पोस्ट है उसके मुताबिक ये मीटिंग हुई है इटली में और इसके बाद जो है प्रभास ने इसको करने के लिए हाँ कह दी है। तो क्रिस्टोफर ने ये बात कंफर्म की है अपने इंटरव्यू में कि हाँ, प्रभास से उनकी जो मीटिंग हुई है उसमें जो नरेशन हुआ, प्रभास उससे काफ़ी खुश है। तो क्रूज के साथ, टॉम क्रूज के साथ अब प्रभास भी मिशन इम्पॉसिबल 7 में नज़र आ सकते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। मिशन इम्पॉसिबल 7 इज स्केड्यूल टू बी रिलीज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑन May 27, 2022। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रभास ये फिल्म करते हैं तो अब जो है प्रभास इस फिल्म की शूटिंग के लिए भी जाएंगे। फिलहाल वो राधे श्याम की शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद आदि पुरुष, जिसमें वो राम की भूमिका निभा रहे हैं, और अब मिशन इम्पॉसिबल में वो टॉम क्रूज के साथ नजर आ सकते हैं। हालांकि ये जो पोस्ट वायरल हो रहा है प्रभास फैंस के बीच में, इसको लेकर कोई आधिकारिक रूप से अगर मैं कहूँ तो बयान नहीं आया, लेकिन ये पोस्ट पिछले कई दिनों से काफ़ी वायरल है जिसमें ये दावा किया गया है कि फिल्म के जो निर्देशक है क्रिस्टोफर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को कंफर्म किया है कि प्रभास मिशन इम्पॉसिबल 7 का हिस्सा होंगे।